श्वास को देखो थोड़ी देर। नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाइए, आंखें पूरी खुली नहीं, पूरी बंद नहीं, जैसे शिवजी की अर्धोन्मिलित नेत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार नाक के अग्रभाग को देखिए। आंखें बंद, हृदय में भगवान की गुरु की कृपा का आवाहन कीजिए, वो आपके हृदय में उतर रही है। हे ईश्वरीय कृपा, हे गुरु कृपा, आपकी सुरक्षा के दायरे में मैं महफूज हूं। मैं तुझे छोड़कर भागता हूं, पर तू कभी कृपा के दायरे से मुझे बाहर नहीं करती। मेरा मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ आपको समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो दूर, तेरा तुझको दे दूं, क्या लागत है मोर।
कुछ खास यत्न नहीं करना है। शांति, सहज में चलती हुई सांसों पर दृष्टि रखिए। जितनी जितनी निर्विचारी अवस्था होगी उतना ही उतना सामर्थ्य और शांति प्राप्त होगी। कोशिश करिए श्वासोश्वास पर दृष्टि रखिए, ध्यान दीजिए श्वास कैसे उठता है, कैसे छूटता है। कोई प्रयत्न नहीं, कुछ करना नहीं है, वर्तमान में जीने का सबसे सुंदर सरल तरीका श्वासोश्वास को देखना है, क्योंकि श्वास अभी चल रही है। मन और चित्त भूत में भागता है, भविष्य की चिंता करता है, पर श्वास नकद है। केवल श्वासोश्वास, गिनती करने की झंझट भी मत करिए, केवल देखिए बस। कोई भय नहीं है आपको, कोई भी चिंता नहीं, कुछ करना कुछ पाना। इस वक्त किसी झंझट में नहीं है आप, परम शांत प्रसन्न चित्त आनंद है।